मुंबई में अपने दो कर्मचारियों को ईडी ने किया अरेस्ट, लीक कर रहे थे सीक्रेट। प्रवर्तन निदेशालय ने अपने मुंबई ऑफिस के दो कर्मचारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने अपने इन कर्मचारियों को अरेस्ट कर लिया है। इन पर बेहद कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट फाइलें लीक करने का आरोप है। ईडी को इस बात का सबूत मिला है कि ये दोनों कर्मचारी पुणे के बिजनेसमैन और सेवा विकास कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व डायरेक्टर अमर मूल चंदानी के संपर्क में थे और उसके जरिए उन्हें कुछ बेहद अहम जानकारियां शेयर कर रहे थे। इस मामले में ईडी के दोनों कर्मचारियों के अलावा अमर मूल चंदानी के ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया है। जनवरी महीने में ईडी ने पुणे से सटे पिंपरी चिंचवाड़ इलाके में सेवा विकास कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व डायरेक्टर अमर मूल चंदानी समेत कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की थी। उनके ठिकानों पर छापेमारियां की गई थी। फर्जी कागजात के आधार पर अपने चहेतों को अनाप शनाप तरीके से बैंक की ओर से कर्ज बांटा गया था और बदले में अमर मूल चंदानी और उनसे मिले हुए डायरेक्टरों ने अपनी जेबें भरी गई थी। इस तरह कुल 400 करोड़ से ज्यादा का घोटाला किया गया था। इस मामले में मूल चंदानी समेत 5 लोगों को अरेस्ट भी किया गया था। कुछ वक्त पहले मूल चंदानी जमानत पर बाहर आ गए। इस बार फिर ईडी की ओर से उन पर कार्रवाई किए जाने की संभावना जताई जा रही थी। ऐसे में ईडी को यह जानकारी मिली थी कि उन्होंने सबूत गायब करने के ईडी के मुंबई ऑफिस के इन दो कर्मचारियों को लालच देकर उनसे कुछ फाइलें लीक करवा रहे और अपने खिलाफ चल रही जांच से जुड़े अपडेट्स हासिल कर रहे थे। ईडी अधिकारियों को यह भनक लग गई कि ये दोनों कर्मचारी अमर मूलचंदानी के ड्राइवर के संपर्क में हैं। इसके बाद उन दोनों पर नजरें रखी जाने लगी। जब इस बात के पक्के सबूत मिल गए कि इन दोनों ने कुछ दस्तावेज मूलचंदानी को बेच डाले हैं, तो ईडी ने इनके खिलाफ कार्रवाई की और इन दोनों को अरेस्ट कर लिया। इन दोनों के अलावा मूलचंदानी के ड्राइवर को भी अरेस्ट कर पूछताछ शुरू कर दी गई है।